हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हो, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आगे पूछा जाएगा। और अगर आपका ये सवाल होगा कि इफेक्टिव बेस ऑफ प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप हिंदी में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत उम्दा सोर्स दोस्तों बताना चाहूंगा। अगर आप इतना कुछ फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प यहां पर देखने को मिलेगी। तो चलिए, वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको एक बार यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूं, टेस्ट जोन पर आपको जाना होगा। और टेस्ट जोन पर जब आप जाएंगे, साइन अप कर लेंगे, तो यहां पर लिखा आएगा कि मॉक ड्रिल्स। आप इन मॉक ड्रिल्स पर एक बार क्लिक करोगे और ये जो पहला वाला सेक्शन आ रहा है कि जुलाई के 2020 के करंट अफेयर्स, जून 2020 के करंट अफेयर्स, तो अगर अभी आपको करंट मंथ से तैयारी करनी है तो आप जून 2020 के करंट अफेयर्स में जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। और यहां पर आप ये देखें कि जो सबसे पहला सेक्शन है वो आपका क्या है, वो आपका है कि पहला जुलाई के अंदर इन्होंने पहला टेस्ट दे रखा है और जुलाई के अंदर इन्होंने टेस्ट नंबर 2 दे रखा है। और यहां पर ऊपर पे साइड पे पीडीएफ दे रखी है। अब जैसे ही आप पीडीएफ पे एक होवर ले जाओगे तो इंग्लिश और हिंदी, अगर आप जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं आप उस भाषा में अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर इंग्लिश को ओपन करूं, ठीक है, तो यहां पर मैं इंग्लिश में पीडीएफ ओपन कर सकता हूं और हिंदी में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो दोनों पीडीएफ मेरी यहां पर ओपन हो चुकी हैं। अब ये जैसे बेसिकली पीडीएफ है, ये आपकी जो है इंग्लिश में है, ओके। तो इंग्लिश की पीडीएफ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश में चीजों को पढ़ते हैं तो यहां पर आप मैक्सिमम चीजें कर सकते हैं। लाइक देखो, जैसे इन्होंने 101 पॉइंट जो है ये बताया कि मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट्स। फिर इन्होंने 102 दिखाया करंट जीके, ओके। इसके बाद इन्होंने दिखाया कि इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। अब एक्चुअली होता क्या है, इनका थीम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो, यहां पर जो सबसे अच्छी चीज वो है ये है कि अगर आप किसी भी मंथ का करंट अफेयर्स अगर आप बनाते हैं उसके पार्ट को, तो पहले आप इस पीडीएफ को पढ़ लो। आप पीडीएफ को पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। अगर आप बहुत ढंग से पीडीएफ पढ़ते हो तो आप 1 दिन में भी निपटा लोगे, लेकिन अभी जैसा कि एग्जाम बहुत दूर है तो आप 2-3 दिन बहुत आराम से ध्यानपूर्वक पूरी पीडीएफ को आप पढ़ो। और दोस्तों, जैसे ही अगर आपने पूरी पीडीएफ पढ़ी तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें जो की पॉइंट्स हैं वहां से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और वो आपके 100 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से इन्होंने सेकेंड वीक की एक पीडीएफ बनाई जिसमें इन्होंने अगले 100 पॉइंट्स, आपको अगली 100 न्यूज़ दी, आप उनको पढ़ो, उनसे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ये देखें कि पूरे महीने में नियर अबाउट आपके 8 इस तरीके के टेस्ट होने वाले हैं। तो 800 नंबर आपको ये मिल जाएगा। सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जैसे कि अभी ये थर्ड वाला पार्ट है, अभी इसमें केवल इंग्लिश दिखा रहा है, तो हिंदी अपडेट होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हिंदी अपडेट होती जरूर है, ओके। और हिंदी दिखती किस फॉर्मेट में है आप देख लो। जैसे कि इन्होंने ये जुलाई का मॉक ड्रिल 100 का है, टेस्ट 2 इन्होंने ये दिखाया हुआ है। अब देखो इसमें हिंदी का क्या है, हिंदी का लिखा है 101 मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट्स। इसमें लिखा है ईयू के, जो यूरोपियन यूनियन है, इसके जलवायु प्रमुख फैंस टिम्परमैंस के ने कनाडा और चीन के पर्यावरण मंत्री जोनाथन विल्किंसन और हुआंग रुनको के साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो फोर्थ था, चौथा जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन MOCA की मेज़बानी की। भारत से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने भाग लिया, ठीक है। अगर आपको इस न्यूज़ का सोर्स जानना है तो आप इस रीड मोर पर क्लिक करके इस न्यूज़ का सोर्स भी देख सकते हैं कि ये न्यूज़ कहाँ पर आई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट्स को लिखते हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, आप इतना जरूर फॉलो करना जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आप क्या करना कि जैसे ये न्यूज आप सब कुछ पढ़ रहे हो, अपने पास A4 सीट लेकर आप बैठ जाना और A4 सीट पर कुछ अपने बुलेट पॉइंट्स, जैसे ये आपको 4-6 लाइनों में लिखा दिख रहा है, ठीक है। आप अगर इतने सारे पेजेस को प्रिंट आउट भी कराओगे, तो अगर आपको लग रहा है कि हम प्रिंट आउट नहीं कराएं, तो आप अपने खुद के की पॉइंट को खुद बना सकते हैं। और दोस्तों, खुद के बनाए हुए करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इनको पढ़ने के बाद अपने कुछ बुलेट पॉइंट जरूर क्रिएट करें। और उसके बाद आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि अब हमें ये वाला टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। और देखो, कभी कभी क्या होगा, ये चीज तो श्योर है कि जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपका पहली बार में परफेक्शन नहीं आएगा, पहली बार में नंबर कमाएंगे, लेकिन आप दोबारा से उस पीडीएफ को गो थ्रू करो और दोबारा आप उस टेस्ट को जाकर लगाओ, तो इससे आपको क्या होगा कि री अटेम्प्ट मोड में आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी कि मैं कहां कहां पर क्वेश्चन गलत कर रहा था, ठीक है। तो इससे दोस्तों काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो मैं आपको एक बार यहां पर ओपन करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको टेस्ट दिखेगा। जैसे मैं आपको ये जुलाई का 2020 वाला फुल लेंथ टेस्ट दिखाता हूं, टेस्ट नंबर 2। तो आपने इसको ओपन किया तो यहां पर अगर आप ये देखो
कि ये जो प्लेयर सजेशन मोड दिखा रहा है, मैं इस पर इसको ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। ओके, अब आप ये देखो लिखा है ना, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ मंथली स्टेपेंड ऑफ ₹3,000 टू न्यूली इनरोल्ड जूनियर लॉयर्स फॉर 2 ईयर टू हेल्प दैम ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। देखो, अगर आपने इस तरीके की थ्योरी पढ़ी होगी तो आप बहुत इजली इसको जज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार जाएँ, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आप इसको चेंज भी कर लेना। तो देखो दोस्तों, जो बिगनर हैं और उनके पास करंट अफेयर्स का कोई सोर्स नहीं है, उन्हें MCQ फॉर्मेट भी चाहिए, थ्योरी भी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट आपके लिए है। आप एक बार इस तरीके से इसको जरूर अटेम्प्ट करें, और मैं इस पूरे टेस्ट को एक बार एनालाइज भी करूंगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे आपके साथ एग्जाम के टाइम पर डिस्कस करेंगे इसमें से अच्छे क्वेश्चन। और एक चीज मुझे इनकी और भी बहुत ज्यादा शानदार लगी, जैसे आपको ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से महीने में 8 टेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। अब इन देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो मंथ होगा 8 के बाद में एक 9th वाला टेस्ट आएगा, जो इन सब सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होगा, जो आपका पूरा क्रक्स होगा। लाइक आपने जैसे कि यहां पर जो 9th वाला जो टेस्ट होगा, जो अभी आने वाले दिनों में आएगा, उसमें दोस्तों थोड़ा सा अलग होगा। लाइक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होंगे कि आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसी थ्योरी में से किसी अलग तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन पूछा गया होगा। देखो, ये वाला अगर आपको टेस्ट देना तो जून में मिल जाएगा। जून में इन्होंने जो करंट अफेयर्स बनाया हुआ है, इसमें देखो 4 और 4 8, और ये लास्ट में 9th वाला है। इसकी ये PDF नहीं देते हैं, क्योंकि जो कुछ पढ़ा लिखा है वो आपका यहीं से है। ओके, तो अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ये एक क्रक्स है जो बचे हुए 8 टेस्ट हैं। तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से दोस्तों आप अच्छे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। और इवन मैं तो आपको यही कहूंगा कि करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैंने अभी पर्सनल कुछ DI यहां से सॉल्व किए। जैसे ये जो DI मॉक ड्रिल इन्होंने दे रखा है, ये तो करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल है, ये इनका DI मॉक ड्रिल है। ओके, इसमें आप देख लो कि क्वांट एप्टीट्यूड मॉक ड्रिल, रीजनिंग है, इंग्लिश है। रीजनिंग में केवल अभी इन्होंने जो है इनइक्वालिटीज जो है अपलोड की हैं, लेकिन अगर आप यहां पर DI में जाओगे तो DI बहुत शानदार बनाई है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप केवल केवल ये जो 3rd नंबर वाला पूरा सेगमेंट है, आप इसको एक बार बनाकर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन यहां पर दिए गए। मैं आने वाले दिनों में लगभग यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको DI के फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा, जिनका लेवल बहुत उम्दा है और आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। अब आप यहां पर ये देख लो कि ये जो पहला वाला है, इसमें से मैंने 2 DI लगभग आपको सॉल्व भी कराए, बाकी बचे हुए DI आप खुद से बनाएं और देखें कि इसमें पेपर में क्या क्या आपको दिया गया है। तो एक के अंदर जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 4-5 DI लगभग इसमें दे दी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको 4 से 5 DI दे दी गई हैं, 20-20 क्वेश्चन हैं, तो 5 DI 4 DI एक सेट के अंदर है। तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 × 20 DI आपको 20 DI देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी कॉन्टेंट कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसका यूज क्यों ना करें, बिल्कुल बनाएं, बिंदास बनाएं और अपने एग्जामिनेशन की जर्नी को आगे ले जाएं। मेरे पास जो भी अच्छी बेस्ट चीज आती है, मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी के पास वो चीज पहुंचे। और आपको सिंपली जो है टेस्ट जोन पर जाना है, आप गूगल पर सर्च कर दोगे स्मार्ट कीड़ा टेस्ट जोन, आपको मिल जाएगा, वहां पर साइनअप कर लेंगे। और मॉक ड्रिल को ध्यान रखना है कि सारे के सारे फीचर आपको यहीं पर मिलेंगे। ओके, वैसे मैंने डायरेक्ट लिंक आपको दे रखा है, अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली मॉक ड्रिल के अंदर जाकर इन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी आगे बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव दोस्तों होने वाली है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि कोई भी चीज आपकी ना छूटे और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपना अच्छा जो स्कोर है वो कर पाए। देखो, बहुत सारे लोग जो है जो फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना कैसे, करंट अफेयर में क्वेश्चन कैसे क्रिएट करने हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आर्टिकल पढ़कर उसमें से चीजों को पॉइंट आउट को ढूंढोगे तो उसमें आपको लगेगा काफी सारा समय, लेकिन मैं कहूंगा कि इस सोर्स को आप एक बार कंपेयर कर लो, अल्टरनेट के तौर पर आप यूज करो। क्योंकि एक एक महीने में अगर ये 900 क्वेश्चन आपको बनाकर दे रहे हैं थ्योरी पोर्शन में, ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन है, तो आप ये ध्यान रखें कि इस PDF को पढ़ने के बाद आप × 4 times लगभग क्वेश्चन आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि जब आप PDF को पढ़ते हो तो PDF बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जब आपका MCQ फ्रेम होता है तो वो कोई भी एक पॉइंट को लेकर MCQ बनाया जाता है। तो आप ये देख लें कि अगर आपने 800 पॉइंट की अगर आपने कोई भी एक PDF पढ़ ली, तो अगर एक के अंदर 4 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो 8 × 4 3200 MCQ आप खुद से फ्रेम कर लोगे। लेकिन आप ये मत समझना कि आपने 100 से 200 कहीं पर क्वेश्चन पढ़ लिए,
एमसीक्यू फॉर्मेट में और उससे आपका पूरा महीना कवर हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, लेकिन हाँ थ्योरी पढ़ लोगे तो चाहे 3200 एमसीक्यू बना लिया जाए तब भी आप कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी एक सलाह थी, जिसको आप फॉलो करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा कॉन्टेंट था, आपके पास आना चाहिए था, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर सर्कुलेट किया। ओके, री अटेम्प्ट मैक्सिमम कितने भी बार अनलिमिटेड री अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार बनाएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ, क्वांट वगैरह के। और बाकी हाँ, क्लासेस वगैरह रेगुलर आ रही हैं, आप लोग बिल्कुल मिस कर रहे हो। मैंने ये देखा है कि अरिथमेटिक जो आपके आरआरबीज के पोर्शन हैं वो मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए, मैंने डीआई अभी स्टार्ट किए हैं, आप उनको देखें। और बाकी जो रीजनिंग की मैम है उनकी क्लासेस भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।